जय हिंद। क्या आपको पता है इस चैनल पर लगभग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद इसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। अब यहाँ प्रश्नावली 5.2 देखिए कितना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। यहाँ देखिए ये क्या है कि निम्नलिखित सारणी अभी जो भी यहाँ पे सारणी आपको बनाया गया है वो एक एपी है। वो क्या है, एपी यहाँ पे शो कर देना है। उससे पहले कह रहा है कि जहाँ एपी दिया है प्रथम पद जिसको ए दे दिया है, सर्वांतर डी इसको बोलते हैं एन, यानी एनवा पद और एन है यहाँ पे, तो जो खाली है उसको निकाल देना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर देना है। तो बस क्या करना है, इस फॉर्मूला में ले जाके भर दो ना यार, हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ ए एन, इसमें ए एन वाला ये भाग है बेचारा खाली है, छोड़ दो ए एन, ए एन वाला खाली है। ए कितना है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए है 7 प्लस एन कितना है, एन है 8 माइनस 1 और डी कितना है 3 है। तो यहाँ देखो ना 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 इंटू 3 ये हो जाएगा 7 प्लस 7 तरीका 21 और 21 और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ए एन बराबर कितना आ गया, ए एन बराबर 28 आ गया, ये वाला कितना आ गया 28 आ गया, रिक्त स्थान भर दिए। वैसे ही ये भी है, दो नंबर भी है, दो नंबर में क्या कर रहा है, ए आपको दिया है ए, ए एन बराबर भर दीजिए यहाँ जो जो दिया है भरिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन, ए एन यहाँ दिया है, दिया है यहाँ पे कितना ए एन, दो नंबर में जीरो दिया है, जीरो भरिए, प्लस ए दिया है माइनस में 18 प्लस एन, एन यहाँ पे 10 दिया है, 10 माइनस वन और डी यहाँ पे छोड़ दिया है तो डी निकालना है, छोड़ दो डी। यहाँ पे देखो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा, बराबर 10 में से जब 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, डी है तो डी, 9 दूना 18 हो गया, डी बराबर आपका 2 आ गया, डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ये आपको समझ आ रहा होगा। तीन नंबर एक क्वेश्चन खुद आप बनाइए और कमेंट में बताइए आप कि आपका तीन नंबर का कितना आंसर ए वाला आ रहा है, ये आपको खुद बनाना है, खुद आंसर लाना है। तब तक कि हम एक काम करते हैं, 4 नंबर बताते हैं और 5 नंबर, यहाँ पॉइंट है 3.6, यहाँ 4 नंबर देखिए, फॉर्मूला तो आपको पता है 4 नंबर में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ जो होता है वही यहाँ पे बीच में घटाते हैं, उसी में से ये घटाते हैं। ए एन, ए एन इसमें कहीं दिया है तो 3.6 दिया है, लिख देते हैं 3.6 बराबर, ए कितना दिया है तो माइनस में 18.9 दिया है, प्लस एन, एन छोड़ दिया है तो एन तुम भी छोड़ दो माइनस वन और डी कितना है, डी है 2.5, 3.6 और माइनस 18.9 प्लस 25, 2.5 है ना, इसको सिर्फ 25 अभी पढ़ो, 25 में एक से तो 25 एक्स पॉइंट बैठा दो, माइनस ये गुणा करोगे तो 2.5 होगा, 3.6 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन ये एक्स वाला पार्ट है तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सिंबल क्या है, दोनों माइनस में है। तो बता रहे हैं सिंबल पहचानने का तरीका क्या है कि अगर एक जैसा दिखेगा तो प्लस कर देना, एक जैसा होगा तो प्लस और इधर उधर होगा तो माइनस। बताइए इधर उधर है, ये दोनों क्या है, एक जैसा है, एक माइनस माइनस एक जैसा तो भी प्लस, प्लस प्लस एक जैसा तो भी प्लस, इधर उधर दिखेगा तो क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ दोनों एक जैसा सिंबल है तो ऐड कीजिए, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14 के 4 हाथ में एक बचा, 8 और 2 10 और 1 11 के एक हाथ में एक, एक और एक 2 माइनस में और प्लस 2.5x, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 3.6 और प्लस 21.4 बराबर 25, 2.5x हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करके देखो, यहाँ पे 21.4, यहाँ पे 21.4 और यहाँ 3.6, 6 4 10 की 0 हाथ में 1 3 1 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 2, कितना आया 25, यहाँ पे 0.0, पॉइंट के बाद से जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, बराबर में ये हो गया आपका 2.5x। इसको बट्टा में भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 25 और बट्टा 2.5 बराबर में x, पॉइंट हटाने पर एक जीरो ऊपर लगेगा क्योंकि एक वो अंक है, ठीक है, 25 से कम 25, यहाँ पे हो जाएगा 10, x बराबर कितना आ गया 10, x नहीं n है, क्या ये n है, सब जगह आप n लिख लीजिएगा, x लिखने का आदत हो जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का ही प्रभाव है, ठीक है। यहाँ देखिए एन बराबर कितना आ गया 10, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 10, यानी एनवा पद 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए वहां क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिए,
फाइव नंबर में यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सिंपल, ए एन कितना है, तो ए एन बेचारा खाली है, छोड़ दो, जो खाली है उसको टेंशन क्या लेना है। ए बराबर है 3.5 प्लस एन है 105 माइनस वन, और डी आपको दिया है 0। लो भाई ये क्या हो गया 3.5। क्या इसमें मेहनत करने जाए, देखिएगा 105 में से एक घटाएंगे तो 104 होगा, 104 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, मिला जुला कर सब 0। 0 एक ऐसा नंबर है उसके साथ जो भी रहेगा 0 बना देगा, ठीक है। तो ए एन बराबर हो गया 3.5, ये वाला कितना हो गया 3.5। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अपने यार के पास शेयर कीजिए। बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनें, यानी कि यहाँ पे जो भी दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है उसको चुनना है। आपको एपी दे दिया गया, एपी का मतलब बीच का गैपिंग बराबर हो, उसे एपी कहते हैं। उसमें 30 नंबर पर क्या आएगा, पहला नंबर पर 10, दूसरा नंबर पे 7 और तीसरा नंबर पे 4, तो ऐसे करते करते 30 नंबर पे क्या गया, तीसवां पद निकालना है। ट्रिक याद है आपको, जब भी बोले तीसवां, यानी कि 1, 2, 3 माने ए 30 बोला है, तो ट्रिक होता है ए प्लस 29 डी, यहाँ जो भी होगा उसमें से ए घटा दो, अन्यथा तो फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तब बतिया वही है ए, एन के जगह पे क्या भरिएगा 30, तो जहाँ एन होगा वहाँ 30 भरिएगा माइनस में 1, ये हो जाएगा डी, तो 30 में से एक हो जाएगा तो 29 डी, अब प्लस में ए है, प्लस में ए उतार दिए, तो दोनों बात एक ही आए कि नहीं, ए प्लस 29 डी। तो यही डायरेक्ट ट्रिक समझिए, ये भरने से बेहतर है आखिरकार आप तीसवा पद में 30 भरिएगा एन के जगह, तो यहाँ भी 30 होगा, 30 में से एक जाएगा 29 होगा, फिर ए प्लस 29 डी आया वैसे भी। तो एक ट्रिक याद करिए ना, जब 30 पूछेगा तो ये कम करके डी लिखिएगा, अगर 50 बोले तो 49, 35 बोले तो यहाँ 34 डी हो जाएगा, बाकी सब वही रहता है। यहाँ देखिए हमको तीसवा पद पूछा है, तो पहले एक काम करते हैं, ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर पहला वाला है 10, डी बराबर कितना दिया है, तो डी किसको कहते हैं, इस दूसरे में से पहले को घटाते हैं, चाहे इसमें से मतलब दो नंबर वाला में से इधर पहले का घटाते हैं, तो 7 में से घटा लो 10, तो 7 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 3, क्योंकि बड़ा वाला किस में है, माइनस में। अब ए 30 निकालना है तो लिख दो ए प्लस 29 डी, ठीक है, ए कितना है, ए है 10 प्लस 29 और डी का वैल्यू है माइनस में 3, तो ए प्लस गुणा करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9, 3, 27 के साथ हाथ में बचा 2, 3, 2, 6 और 2, 8 87, लेकिन माइनस है तो माइनस। अब बताइए एक प्लस एक माइनस अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ब्रैकेट डाल दो, 10 प्लस माइनस माइनस 87, घटाओगे तो हो जाएगा 77, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है 87, इसका सिंबल है माइनस, तो याद रखिए हमेशा बड़ा वाले का बात रहता है। घर में देखिएगा आप भी छोटे होंगे तो आपके बड़े भाई का बात रहता होगा और आपका बातें नहीं रहता हो, कोई बात का वैल्यू ही नहीं देता है, इसीलिए बेचारा 10 छोटा है तो इसके सिंबल नहीं रहेगा और बड़ा वाला का सिंबल रहेगा। ऑप्शन माइनस 77 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन दिया है और 11वां पद बोला है, तो आप बताइए ए 11 बोला है तो क्या होगा, a प्लस 10 को d हो जाएगा, 10d होगा कि नहीं, a बराबर कितना है, a बराबर लिखा है माइनस 3 और d बराबर कितना है, तो d बराबर निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी माइनस 1/2 में से क्या घटाना पड़ेगा, माइनस में 3 घटाना पड़ेगा, तो माइनस 1/2 माइनस माइनस हो जाता है प्लस 3/3 बच जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बट्टा का जोड़ कर लीजिए, ठीक है, तो बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3×2 = 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5/2, आपका कितना हुआ, d बराबर हुआ 5/2, यहाँ बट्टा का जोड़ करके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए 3×2 = 6 और 6 में से जब 1 घटाइएगा तो 5 ना बचेगा, तो माइनस में नहीं प्लस में 5/2, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, d का मान आया 5/2, जब d का मान 5/2 और a का मान ये आया तो आप निकाल दीजिए कौन सा पद, 11वां पद, a 11 बराबर a प्लस 10 डी, ए कितना है, ए है माइनस 3 और प्लस d कितना है, तो यहाँ d देख सकते हैं, यहाँ पे 10×d का मान है 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा कटेगा तो 5×2 = 10 हो जाएगा, माइनस 3 है प्लस 25 हो गया, 25 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, तो 25 में से 3 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 22
22, तो ये आपका आंसर हो गया। तो कहीं इसमें 22 अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो लेट नहीं करना है, शेयर भी ज़्यादा करना है, और फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि जो भी इस समानांतर श्रेणी है, भले आपको ऐसे दिख रहा है लेकिन बाबू ये क्या है, समानांतर श्रेणी है। कैसे समानांतर श्रेणी है, देखिए यहाँ नंबर है, यहाँ कोई नंबर होगा लेकिन खाली दिया है, वही तो भरना है कि कौन सा नंबर, फिर 3 नंबर पे है, फिर 1 नंबर खाली है, 2 नंबर है, 3 नंबर खाली है, 4 नंबर है। ऐसे में क्या आप कौन सा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे भर दीजिएगा। तो देखिए एक रूल समझ लीजिए, अगर कहीं भी बॉक्स खाली हो, अगर आपको ए और डी पता हो तो आप कुछ भी भर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको ये 2 नंबर का निकालना है ना, माने A2 निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, जब A2 निकालना होगा तो कीजिएगा का A2 बराबर लिखिएगा A प्लस, बताए थे अगर 2 है तो यहाँ A को D लिखना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू भर के निकाल लेंगे। जो भी वैल्यू निकालना है आप इजी वे में निकाल सकते हैं, कब, जब आपको सिर्फ A और D पता हो। अगर A और D पता है तो ये भरना बहुत आसान है, लेकिन पहले तो A और D तो पता कर लें। यहाँ देखिए तो गौर से समझिएगा, पहले अक्षर को बोलते हैं A, तो ये तो ठीक है A पता है, A बराबर कितना दिया है 26। यहाँ समझते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन हम भरते चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, पहला वाला दिया है, पहला वाला पता है आपको, अगर इसमें सिर्फ D पता चल जा रहा है, A तो दिया है, A और D दो पता है तो इस सब भर सकते हो। यहाँ A बराबर कितना है 2, D बराबर नहीं पता है छोड़ दो, और यहाँ देखो 1 2 3 A3 बराबर दिया है 26। तो एक काम करो ना, A3 का ही फॉर्मूला लगाओ, A3 बराबर लिख सक, An बराबर क्या हो सकता है, An बराबर हो सकता है आपका A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, A3 भरिए, n का वैल्यू कितना 3, तो A कितना है, A दिया है 2, अब प्लस 3 माइनस वन इंटू डी नहीं पता है तो छोड़ दो, A3 का मान दिया है 26 बराबर 2 प्लस ये हो जाएगा 2D, इधर लाएगा तो कितना हो जाएगा 26 और माइनस 2 बराबर 2D, घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 24 बराबर 2D, कटा के इसको देख लीजिए कितना आएगा 12, D बराबर कितना हो गया 12। जब D बराबर 12 हो गया तो ये निकल नहीं जाएगा, क्या निकालना है A2 निकालना है, क्या निकालना है A2। तो आपको तो ट्रिक पता है कि अगर 2 नंबर पे निकालना हो तो D A में कितना जोड़ना पड़ेगा, A गो D, अगर A5 निकालना हो तो इससे A गो कम D जोड़ते हैं, A प्लस 4D, यानी 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, अगर यहाँ 10 रहता तो यहाँ 9 हो जाता, तो ये वहाँ निकालना है 2 तो ये 1D हो जाएगा, और A कितना था, तो A आपका था यहाँ पे 2 प्लस 1 लिखो ही नहीं, D का मान कितना है, अभी D का मान निकला है 12, तो 12 और 2 कितना हो गया 14, A2 बराबर कितना आया 14 आ गया, यहाँ पे बीच का अंतर आपको निकल गया है, देखिए बीच का अंतर 12 है, 12 है, इसके भी बीच का अंतर 12, इसके भी बीच का अंतर 12, तो हमको A और D पता चल जाएगा तो कोई भी निकल सकता है। इसको देखिए, इसको आप थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इसको हम लोग AP कहते हैं, लाइन से सजा है, पूछ रहा है कि हमारा कौन नंबर भरिएगा कि AP के रूप में, यानी कि रिक्त स्थान का जो इसमें भरना है जो AP में बदल जाए। तो देखिए ना, यहाँ 2 नंबर पर दिया है A2 इसको बोलते हैं, इसको A3 खाली है, A4 दिया है, कितना दिया है A4 दिया है, कोई बात नहीं कितना दिया है यहाँ लिख देते हैं, A2 बराबर दिया है 13 और A4 बराबर दिया है कितना, A4 बराबर दिया है 3, ठीक है। तो A2 का फॉर्मूला लगे, A2 का क्या होता है, A प्लस D होता है 1D, समीकरण एक यहाँ देखिए, A2 है कितना, तो है 13 बराबर, A नहीं पता है और D भी नहीं पता है, समीकरण एक मान लो, A4 जब देगा तो आपको बताए थे फॉर्मूला, यानी ट्रिक क्या है, तो यहाँ 4 होगा तो D एगो कम होगा, तो A प्लस 3D, कुछ नहीं दिया है समीकरण इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, अभी मत मानिए, A4 बराबर कितना दिया है 3 दिया है, 3 भर दो और A प्लस 3D, समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 ये है और 2 ये है, ठीक है, तो समीकरण 1 और 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो 13 हो जाएगा इज इक्वल टू A प्लस D और ये वाला कितना है 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, घटाइए इसको, जब इसको आप घटाइएगा तो एक जैसा जो रहता है प्लस माइनस में कट गया, इस सिंबल बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ 3 गो D में से अगर 1 गो D चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 गो D बचेगा, लेकिन ये माइनस है
माइनस में तीन भरना, सिंबल बदलता है तो दो पचे दस, डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया माइनस में पाँच, ये माइनस इधर लिखते हैं। जब डी बराबर माइनस पाँच हो गया तो ए भी निकल जाएगा, कैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आगे जो भी इस लेसन में क्वेश्चन है सब इसी बेस पर बनेगा, दो को दिया रहेगा समीकरण बनेगा, ये दिमाग में बैठा लेना है। डी का मान ले जाके या तो समीकरण एक में भर दो नहीं तो दो में, डी का मान समीकरण एक में रखने पर लिख लीजिए यहाँ पे, तो एक क्या है 13 प्लस ए प्लस डी, डी कितना है माइनस पाँच, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी का मान है माइनस में पाँच, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 13 प्लस पाँच हो जाएगा, इधर ए बचेगा, 13 पाँच होता है 18, ए बराबर कितना हो गया 18 हो गया। तो जब ए बराबर 18 हो गया तो पहला वाला का होता है ए, ये कितना हो गया 18, ठीक है। दूसरा अब क्या निकलना है, तीसरा नंबर पे क्या होगा, तो आप बताइए कि ए थ्री का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस टू डी होता है, क्योंकि यहाँ थ्री होगा तो यहाँ टू डी होगा। अब देखिए यहाँ ए है तो ए कितना भी आया, ए 18 आया है प्लस टू, और डी का मान आया है माइनस में पाँच, तो हो जाएगा 18 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस पाँच दूना दस, ये हो जाएगा 8। ये ए थ्री कितना आ गया, एक दो तीन, ए थ्री हो गया आपका 8। ये भी आपको समझ में आया होगा, ये भी कैसे भरेंगे देखिए, दो तीन प्रैक्टिस कर लीजिए आपको इजी वे में बन जाएगा। इस चार नंबर क्वेश्चन को गौर से समझिएगा क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक एपी दिया है, तीन है, आठ है, ये सजा दिया है, यही तो एपी है, यानी कि बीच का अंतर अगर समान हो तो सर्व अंतर हो तो उसे हम लोग एपी कहते हैं। ऐसे दे दिया है 13, 18 डॉट डॉट बहुत सारा नंबर, और कहीं लिख दिया है क्या 78, तो पूछ रहा है कि ऐसे तीन है, आठ है, 13 है, 18 है, डॉट डॉट करके कहीं 78 लिखा होगा, ऐसे मतलब बीच में कोई भी नंबर होगा, तो 78 कितना नंबर पे आ रहा है, यानी ये जो दिया है ये आपका ए एन दिया है। और एक बात बता दे आपको, कहीं पे ऐसे नंबर लिखा रहा है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, मान लो लिख दिया 552, ठीक है। तो आप जानते हैं पहला वाला ए वन होता है, ए टू ये होता है, ए थ्री ये होता है, A4 ऐसे होता है। अब ये पता नहीं है कि ये A कितना होगा, क्योंकि बीच में पता नहीं है कि कितना नंबर पे आता है, एक दो तीन नंबर पे आया, चार नंबर पे आया तो चार लिखे, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना नंबर पे आया तो इसको लिखते हैं AN। वैसे ही यहाँ भी ऐसे करके 78 तक लिखा है, अब पता ही नहीं है 78 कितना नंबर पे है, तभी तो यहाँ लिखते, अगर मान लो 10 नंबर पे होता तो 10 लिखते, लेकिन नहीं पता है तो क्या लिखेंगे N। तो AN का वैल्यू इधर हमेशा होता है, दिमाग में बैठा लीजिए बाबू कि लास्ट वाला वैल्यू हमेशा AN का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ A बराबर कितना दिया है, A बराबर 3 दिया है, D बराबर तो घटा के देख लो 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और AN बराबर दिया है कितना 78, तो पूछ रहा है कितना नंबर पे, यानी सिर्फ यहाँ n कितना नंबर पे होगा, n निकालना है, नहीं पता है तो क्या मान लेना x या छोड़ देना, नहीं पता है। अब an का फॉर्मूला लगाना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an दिया कितना है 78, और a दिया है 3 प्लस एन माइनस वन, और d कितना दिया है 5, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 में n से तो हो जाएगा 5n, और माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 78 इज इक्वल टू 5 में से जब 3 जाएगा तो माइनस में 2 प्लस 5n, माइनस में 2 क्यों हुआ, बड़ा वाला किस में है माइनस में, तो हमेशा बड़ा वाला का बात रहेगा, माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया 78, और प्लस में हो गया 2 इज इक्वल टू 5n, ये हो जाएगा 80 बराबर 5n, कटाइएगा तो कितना होगा 5 एकम 5 हुआ, यहाँ 3 बचा तो हो जाएगा 5 31, यानी 16 25 80 होता है, n बराबर 16 आया, बताइए यहाँ n का वैल्यू क्या 16 नंबर पे क्या आएगा 78 आएगा। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, जहाँ आ जाए कितने, समझिएगा कितने या कौन सा, ठीक है, ये दोनों अगर ये रट लीजिए आएगा वहाँ n का वैल्यू निकलेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ आएगा कितने या कौन सा वहाँ n का वैल्यू निकलेगा, किसका वैल्यू निकलेगा n का, कि वो कितना नंबर पे होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं n बोलते हैं। अगर पूछ दे कि कौन सा वैल्यू होगा यहाँ पे 205 कौन से नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा, तो समझिएगा n। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कितने पद हैं,
ठीक है, यहाँ 7 है, 13 है, 19 यानी 7 है, 13 है, 19 है और 205 है, तो ऐसे बीच में कुछ नंबर होगा जरूर। तो ये तो एक नंबर पे है, ये दो नंबर पे है, तीन नंबर पे है, ये नहीं पता है कि कितना नंबर पे है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं A1, A है लेकिन एक नंबर पे है, ए कितना नंबर पे है, दो नंबर पे, ये वाला तीन नंबर पे, ये भी A है लेकिन पता ना है कि कितना नंबर पे है, तो लिखते हैं N नंबर पे, यानी AN हमको सिर्फ दिया है, पता करना है ये कितना नंबर पे है। तो अगर ये पता चल गया कि लास्ट वाला नंबर कितना नंबर पे है, तो पूछ रहा है कि लाइनवा में क गो पद दिया है, तो लास्ट वाला मान लो कि 50 आ जाता है, एकर मतलब भाई 50 नंबर पे था, तो टोटल संख्या क गो हो जाएगी, 50 गो हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि तो हो जाएगा इसका 50 आंसर। तो निकालना है हमको N का मान, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, तो ए एन है 205 बराबर ए, पहला वाला नंबर को ए कहते हैं, ए बराबर कितना है 7 और डी बराबर, तो 13 में से 7 को घटाइए, आगे वाले नंबर से इसको घटाते हैं, तो 13 में से 7 जाएगा, 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 6, 205 बराबर 7 प्लस ये हो जाएगा 6 एन माइनस 6, दोनों में गुणा किए हैं हम, 205 बराबर ये घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 6 एन, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 205 माइनस 1 बराबर 6 एन, ठीक है, ये हो जाएगा 204 बराबर 6 एन, कटा दीजिए तो हो जाएगा 6 3 18, 20 को था 18 को तीन बार में कट गया, तो कितना बचा 2 6 4 24, एन बराबर 34 हो जाएगा, 6 3 18 हो गया और ये 6 4 24 हो गया, n बराबर 34, यानी कि आपका 34 नंबर पे, यानी n का मान हुआ क्या होगा, n के जगह 34, टोटल ये 1 2 3 करके यहाँ पे कितना नंबर है, 34 वो पद है, तो कितने पद हैं, तो 34 पद हैं, ठीक है, या फिर ये 34 नंबर पे 205 आएगा, दोनों बात एक ही है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो शेयर करते रहिए, और हम लोग देखते हैं बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दो नंबर इसका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला वाले संख्या को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं, इसमें से इसको घटाना पड़ता है, यानी सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला, 15 × 1/2 में से 18 को घटा लेते हैं हम, तो डी बराबर 15 × 2 = 30 और ये कितना हो जाएगा 31/2 माइनस में 18, ये घटाएगा तो 18 × 2 = 36 में से और 31 जाएगा तो कितना बचेगा -5/2, डी का मान ये हो गया। लास्ट वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट वाले नंबर को ए एन बोलते हैं, तो ए एन बराबर हो जाएगा -47, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन माइनस 47 है, ए वाला आपका 18 है प्लस एन माइनस वन, एन ए तो निकालना है यहाँ पे कितना नंबर पे आएगा, या फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊपर वाला जो भी है टोटल इसमें कितने पद हैं, तो या तो एन निकालिए, दोनों बात एक ही होता है, और डी का मान कितना है, तो डी का मान -5/2 है, -47 = 18 प्लस, यहाँ समझिएगा जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है अंदर वाले में गुणा होता है, तो -5 में एन से तो हो जाएगा -5n/2, माइनस माइनस हो जाएगा +5/2, प्लस माइनस एक जगह अच्छा नहीं दिखता इसीलिए ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है, -47 = ये दोनों नंबर को नंबर के पास भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस में 18 और ये प्लस में इधर जाएगा तो -5/2, इधर बेचारे अकेले बचेंगे 5/5n/2, एक मान के बट्टा का तुम क्या कर लो, घटाव कर लो, एलसीएम हो जाएगा 2, ये गुणा होगा तो कितना होगा 7 × 14 = 1, 4 × 8 = 9, -94 / 18 × 36 -5 = 5n/2, 2 से 2 क्या हो गया खत्म, इस सब को जोड़िए, जब सब को जोड़िएगा तो 6 5 11 11 और 4 15 5 1 9 3 12 और 1 13 बराबर में 5n, माइनस से माइनस करिए 5 से घटाइए, 5 × 10 5 × 7 = 35, एन बराबर हो गया आपका 27, एन का वैल्यू कितना है 27, यानी इसमें टोटल पद कितना है 27 हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, तो देर नहीं करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें पॉइंटेबल बात है, वो बात क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एपी जो दिया है 11 दिया है 8 दिया है 5 दिया है 2 दिया है, यानी कम होते गया है एपी है, इसका मतलब का एक पद -150 है, यही पूछ रहा है कि ये जो टोटल दिया है तो ऐसे लिखते लिखते जाओ तो कभी ना कभी 150 आएगा, अगर आएगा तो क्यों और नहीं आएगा तो क्यों नहीं, वजह बताना है, तो देखते हैं क्या दिया है 11 8
पाँच, दो, ऐसे करते करते एक पद इसमें कहीं ना कहीं एक पद दिया होगा जो माइनस 150 है। तो आखिरकार ये कितना नंबर पे आएगा ये बताना है, ठीक है, यानी n का मान निकालना है। सही में n का मान इतना आएगा कि नहीं, तो n का मान जैसे कि ये एक नंबर पे है, ये दो नंबर पे है, ये तीन नंबर पे है, ये चार नंबर पे है, ठीक है, ऐसे ही ये कितना नंबर पे है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहला वाला तो a होता है, 11 लिख देते हैं। दूसरा डी कैसे निकालते हैं, तो इस दो नंबर देखो 11 में से 8 मत घटा देना, मामला फंस जाएगा। क्या करना है, सेकंड वाला में से फर्स्ट को घटाइए, यानी कि ये आगे वाला में से हमेशा घटाते हैं। तो 8 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3, और ये लास्ट वाला तो आपको बताए थे माइनस में क्या है 150। ये पता करना है कितना नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बराबर हो गया 150। ए है 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी नहीं पता है, सॉरी डी पता है माइनस में वन, ठीक है, माइनस 150 11 प्लस माइनस 3 में एन से कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 3 एन, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 150 और 11 और 3 कितना होता है, तो 11 और 3 हो जाएगा 13 और माइनस में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 150 इज इक्वल टू 11 और 3 कितना 14 हो जाएगा माइनस में 3n, ये प्लस में है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 150 और माइनस 14, ठीक है, यहाँ पे बचेगा ये 3n, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 164, लेकिन माइनस में ही बचेगा 3n, माइनस से माइनस खत्म, n बराबर हो जाएगा 164 बट्टा में 3, इसको कटाइएगा वही n का वैल्यू होगा, ठीक है। तो जब कटाइएगा तो देखिए मामला कैसे फंसेगा, जब ये कटाइएगा तो कटाइए तो होगा कितना, 3 × 5 = 15, एक बचा 15, इसमें से कट गया 16 है तो एक बचा, तो हो जाएगा कितना 3 × 4 = 12, दो बचा, तो दो बचा पॉइंट बैठेगा तो 0 कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, ठीक है, 3 × 4 = 12 हो गया, ये 2 × 3 = 18, फिर 2 × 3 = 18, बताइए एन का मान आ रहा है 54.6666। आप सोच के देखिए, कह रहा है कि 150 जो है ना, अगर खाली 54 आता 54 आता तो बोलते कि ये 54 नंबर पे है, ये पॉइंट 6 नंबर का होता है जी, ठीक है, पॉइंट में कभी होता है कुछ देर के लिए। आप बताइए कि हम बोले कि मान लीजिए कि एक मम्मी है यहाँ पे, एक बाऊजी है और एक लड़का है छोटा सा, तो ये कितने आदमी होगा, तो सीधा बोलो ना 3 आदमी है, ये काहे बोलो कि 2.5 आदमी है, 2 आदमी है या आधा आदमी है, छोटा है तो आदमी अकाउंट ना होगा, तो ये कभी 2.5 आदमी नहीं बोल सकते हैं, यानी कि ये 150 अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये पता कीजिए ना कितना नंबर पे है, ठीक है, 54 सिर्फ आता तो कहते हैं ये 54 नंबर पे आता है, ये 54.6 नंबर पे कहां से कोई आ जाएगा, ठीक है, तो ये संभव है ही नहीं, यानी कि एन कभी क्या हो सकता है, दशमलव, एन का मान भी लिख सकते हैं, एन का मान कभी दशमलव में संभव है ही नहीं, ठीक है, रीजन यही है क्योंकि एन क्या है, इसमें पॉइंट में आ रहा है, यानी कि दशमलव संख्या आ रहा है, इसीलिए कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि ये एपी दिया हो, इसका कोई भी पद क्या हो माइनस 150 हो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, लिखना है तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एपी आप डीपली समझ जाइए, मल्टीपल चॉइस आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम करीब है, और करीब है तो डर के नहीं मजा लेके पढ़ना है, ठीक है, और जबरदस्त तरीके से नंबर तो लाना ही है, एकदम इतना जबरदस्त तैयारी करना है कि एकदम एग्जामिनर को नंबर देना उनकी मजबूरी हो जाए, ये दिमाग में रखिएगा। यहां देखिए कह रहा है कि एपी का 31वां पद निकालना है, 31वां मतलब ए 31, बताया था ना सब ए ही होता है, तो 31 नंबर पे है वहाँ कौन सा नंबर होगा वही निकालना है, कि उस स्थान पर 31 नंबर पे 31वां पद निकालना है, ठीक है, ये बात की बात है, यहाँ हमको ए 31 निकालना है, वो पता ही नहीं है, ठीक है, जबकि 11वां पद दिया है, ए 11 कितना दिया है, ए 11 दे दिया है आपका 38, ठीक है, ये बॉक्स वाला बताए थे वैसे ही है, और 16वां पद दिया है ए 16, ए 16 कितना दिया है 73, आपको बताए थे कि कोई भी वैल्यू निकालना हो तो पहले हमको ए अगर पता हो और डी पता हो, अगर ये दोनों पता है तो बाबू दुनिया का कोई भी एपी कितना भी टफ हो वो आसानी से निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे समझिएगा ए 11, हम ए और डी निकालने चलते हैं, ए 11 का फॉर्मूला आपको याद है, ए 11 क्या होता है, तो ए 11 बताए थे कि वह 11 है, तो ए में कौ गो जोड़ोगे डी, 10 गो डी जोड़ोगे, ए को कम करके डी जोड़ना है, ए 11 कितना है 38, ए प्लस
दस डी समीकरण एक मान लो, क्योंकि डी का भी वैल्यू नहीं दिया है। ए 16 देखो, ए 16 तो 16 को है तो कौ को डी जोड़ेंगे, 15 को डी जोड़ेंगे, ए को कम करके जोड़ेंगे 15D। ठीक है, ए 16 का वैल्यू है 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15D समीकरण दो। जब समीकरण एक बन गया, दो बन गया, तो एक ही को काम करना है, समीकरण एक में से दो को घटा देना है। क्या करना है, यहां देखिए समीकरण एक में से दो को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण एक था 38 बराबर ए प्लस 10D, हमको निकालना है ए का वैल्यू और किसका वैल्यू, डी का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। और यहाँ पर डी है सेवन, ये वाला है 73 बराबर ए प्लस 15D, घटाइए तो ए में से ए जाएगा जीरो, इसीलिए तो सिंबल चेंज करते हैं। ठीक है, अब घटाइए ना, यहाँ पे ये घटेगा तो खत्म हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, उल्टा घटा रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा आपका 5D, कितना हो जाएगा 5D। 73 में से 38 जाएगा तो कितना होगा, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, आई बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये भी माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, 5 × 7 = 35, डी बराबर कितना हो गया 7, डी का वैल्यू हम निकाल लिए कि नहीं, डी बराबर निकल गया कितना 7 निकल गया। अब देखिए, अब ए का मान निकालना है, तो जो निकलता है ना वो किसी समीकरण एक या दो में ले जाके भर दो, तो यहां लिख सकते हो डी का मान समीकरण किस में, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10D, यही तो है समीकरण एक, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 7 आया है, तो 38 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 × 7 = 70, ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, 38 माइनस 70 बराबर ए हो जाएगा। 70 में से 38 घटाइएगा तो कितना होगा, 10 में से ये 8 जाएगा तो होगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस में आएगा 32, कितना आएगा माइनस में 32। अब ए का मान निकल ही गया और यहाँ डी का मान निकल ही गया, तो निकालना क्या है, 31वां पद, मतलब 31वां पद का मतलब क्या होता है, ए 31, ए 31 तो बताएं, जहां 31 होगा तो क्या लिखोगे, ए प्लस 30D। ए का मान कितना है, ए का मान है माइनस में 32 प्लस 30, और डी का मान कितना है, तो डी का मान है 7। ठीक है, तो माइनस 32 और प्लस 7 × 21 210, अब घटा लीजिए इसको, तो 210 में से 32 घटाइए तो ये हो जाएगा, देखो 10, 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 10 में से 3 जाएगा 7, 178 आपका आएगा 31वां पद, यानी कि 31वां पद कितना हो जाएगा 178। तो उम्मीद करते हैं कि आपको, देखिए कोई भी समीकरण, एक चीज़ आप समझ लीजिए ध्यान से, कोई भी समीकरण अगर आपको दिया है, ठीक है, ये दो ठो अगर दे दिया है तो इससे दोनों से पहला से एक समीकरण बनाइए, इससे भी समीकरण बनाइए और डायरेक्ट उसको घटाइए, तो घटाइएगा तो ये एक कट के घट के खत्म हो जाएगा, तो वहां से डी का मान निकलता है, और जब डी का मान निकल गया तो डी का मान ले जाके किसी भी समीकरण में भरिएगा तो ए का, और जब ए और डी पता चल जाए तो कोई भी पद निकल सकता है। ट्रिक बता चुके हैं कि अगर 31वां पूछे तो इसमें 30 को डी जोड़िएगा ए में, ठीक है, ए अगर 50 पूछे तो ए में 49 को डी जोड़िएगा तब जाके 50 मिलता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बिना देर किए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपको देखिए क्वेश्चन बेवकूफ बनाने को थोड़ा सा दिमाग लगाया है, क्वेश्चन सोचा है कि आपको बकलोल बना देंगे, लेकिन आपको बकलोल हम बनने नहीं देंगे, बेवकूफ ना बनने देंगे। देखिए कैसे ये कह रहा है कि एगो एपी है, एपी का मतलब लाइन से चुपचाप नंबर सजा हुआ है, ठीक है, एपी का में टोटल कितने पद हैं, तो यहाँ पे बोला है एपी में 50 पद हैं, टोटल मान लीजिए कि जो भी लिखा गया है 50 पद है, लास्ट तक कगो है 50 तक है, और बोल रहा है कि प्रथम तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब क्या, A3 बराबर 12 दिया है, अंतिम पद दिया है 106, तो आप खुद सोचिए कि लास्ट में कितना पद होगा, जब बोल रहा है कि टोटल 50 को पद है, इसका मतलब कि 50 नंबर पे लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 50 नंबर पे कौन सा होगा, 106 लिखा होगा, उसी को तो अंतिम पद बोलते हैं ना। तो देखिए इधर ये लिखा है लेकिन और नंबर और सब आधा इधर लिखा है, आधा आधा बांट दिया है ताकि बंट जाएंगे, दिमाग बंट जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन 50 को पद है तो लास्ट वाला उसको अंतिम पद बोलते हैं 106, यानी ए 50 बराबर कितना दिया है 106 दिया है, ठीक है, तो बोल रहा है 29वां पद निकालें, क्या बोला है ए 29 निकालें, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, जब दो को दिया है तो दो को समीकरण तो बना लें, ए 3
जब थ्री हो तो थ्री में कौ गो डी जोड़ेंगे, यहाँ पे ए में जोड़ेंगे दो गो डी, जो भी यहाँ होगा एगो कम करेंगे, ठीक है। ए थ्री का मान 12 है इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, ऐसे ही उतार दो, दोनों में कोई नहीं पता है। समीकरण एक, हमको ए और डी निकालना है, ए और डी निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। ए पचास, ए पचास हो जाएगा ए प्लस उनचास डी, पचास दिया है 106 और ये हो जाए a प्लस उनचास डी, समीकरण दो। अब बताए थे जब एक दो पता है तो समीकरण एक में से दो को घटा दो, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या है इधर लिखो, समीकरण एक है 12 इज इक्वल टू a प्लस टू डी, और समीकरण दो है 106 इज इक्वल टू ए प्लस उनचास 49 डी, घटा दीजिए इसको, बोला है ना समीकरण एक में से दो को घटाने पड़ता है, ए में से ए घटाइएगा इसीलिए माइनस का सिंबल हम लोग लिखते हैं, खत्म हो जाएगा। दो में से ये निगेटिव, उनचास में से अगर दो घटाइएगा तो बचेगा माइनस में 47 डी, और ये घटा के देखिए तो छः में से दो जाएगा कितना बचेगा, छः में से दो जाएगा चार हो गया, और ये आपका हो गया दस में से जाए तो नौ हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, 47 दुना होता है 94, यानी डी बराबर हो गया कितना दो हो गया, डी का मान आपका क्या निकल गया डी, अब दो निकल गया। अगर ए का मान निकाल लेते हैं तो ये तो आराम से बन जाएगा, तो डी का मान लीजिए कि इसमें या इसमें, समीकरण एक या दो किसी में भर दो, एक में भरते हैं, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है 12 इज इक्वल टू ए प्लस 12 इज इक्वल टू ए का मान नहीं पता है 2 और d का मान पता है 2, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 दूना 4, इसको a समझिएगा, ये a है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 12 माइनस 4 बराबर a, तो ये हो जाएगा कितना 8, a बराबर आ गया 8। जब a का मान आ गया 8, d का मान पता है ही, तो निकाल लीजिए ना a 29, 29वां पद बोला है, तो 29वां पद a 29 होगा, तो बताइए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, a में 28 को a को कम d जोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पे a 29 निकालना है, a दिया है आपको 8 प्लस 28 इंटू डी का मान दिया है 2, तो ए 29 कितना आ जाएगा 8 प्लस 28 दूना कितना होता है 8 दूना 16 चौहत में 1 2 28 दूना 56, और 56 और 8 कितना होता है तो 64 होता है, यानी कि ए 29 बराबर आ गया 64, यही था 29वां पद। लीजिए इसका स्क्रीन शॉट और हम देर क्यों करें, बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आखिर ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा गौर से। कह रहा है कि यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, यानी 3 नंबर पे और 9 नंबर पे 4 और -8 दिया है, और इसका कौन सा पद शून्य है, यानी कि अगर बात करें हम तो यहाँ कुछ a दिया है a1 a2, लेकिन a3 के जगह पर क्या दिया है, तीसरा पद दिया है 4 और 9वां पद दिया है 8, a3 के जगह पे क्या दिया है बाबू 4, और ऐसे ही यहाँ पे कौन 5 होगा 6 होगा 7 होगा सब a है, यहाँ पे मान लीजिए कि 8 होगा और यहाँ पे मान लीजिए कि 9 नंबर पे क्या दिया है माइनस में 8, यानी हमको दो गो चीज पता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितना नंबर पे शून्य होगा, ठीक है, तो आपको बताए थे कि लास्ट वाला कोई नंबर मान लो जहाँ पे शून्य होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं an बोलते हैं। जब नहीं पता है कितना नंबर पे होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो पते ना है n का मान तभी तो भरेंगे, तो नहीं पता है तो an बराबर शून्य मान लें, यानी कि हम लिख सकते हैं तीसरा पद a3 बराबर 4, a9 बराबर कितना दिया है 9वां पद माइनस 8, an कौन सा पद 0 होगा, तो नहीं पता है तो n लिख दिए। अब निकाल लेना है यहाँ पे किसका वैल्यू, तो हमको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, a और d पता होना चाहिए, सिंपल है। तो एक काम करते हैं a निकालते हैं, पहले इसे समीकरण बनाते हैं, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, इतना हो जाएगा कि 3 है तो 2d होगा, a3 का मान 4 है a प्लस 2d समीकरण एक। फिर यहां देखिए a9 बराबर हो जाएगा a प्लस 8d, अब a9 का वैल्यू माइनस 8 है तो हो जाएगा 8 प्लस 8d समीकरण दो, समीकरण एक दो तो वही घटाने पर, समीकरण एक में से दो को क्या करने पर घटाने पर, दोनों को सबट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा समीकरण एक है 4 बराबर a प्लस 2d
और ये माइनस एट है, तो इसको क्या कीजिएगा, ए प्लस एट डी, ठीक है। इसको घटाइए, सिंबल चेंज कीजिए, ये वहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा आठ में से दो जाएगा तो माइनस में छः डी, आई आठ और चार कितना हो जाएगा बारह, ठीक है। कटाइएगा तो हो जाएगा छः दूना बारह, डी बराबर हो जाएगा माइनस दो। अब ये मत कहिए कि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस क्यों नहीं हुआ, कोई नंबर लेके जाता है तो सिंबल बदलता है, नहीं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए बराबर कितना आया है, माइनस में दो आया है। जब डी बराबर माइनस में दो आया है तो ले जाके किसी में भर ना दीजिए, ए का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखिएगा डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक या दो किसी में रखेंगे आंसर सेम आएगा, फोर बराबर ए प्लस टू डी, फोर बराबर ए प्लस टू है, डी का मान कितना आया है माइनस में दो, तो हो जाएगा यहाँ पे फोर बराबर ए, दो दूना कितना हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका चार, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो चार प्लस चार ए बराबर, तो ए बराबर हो जाएगा आठ। आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो कह रहा है ए एन में कौन सा पद जीरो होगा, तो यहाँ ए एन निकाल लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान जीरो कब होगा, कितना नंबर पे होगा, तो ए का मान भर दीजिए आठ प्लस एन माइनस वन, और डी का मान भर दीजिए माइनस में दो, तो यहाँ पे हो जाएगा एट प्लस ये दो में तो हो जाएगा माइनस में टू एन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस दो, ठीक है। आठ और दो कितना होता है दस, तो हो जाएगा दस माइनस टू एन, ठीक है। इसी को उठा के इधर भेज दे, तो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में टू एन, एन बचेगा दस, दो दो पचे दस, एन बराबर कितना आ गया पाँच। अगर आप एन बराबर पाँच नंबर पे, कितना नंबर पे पाँच नंबर पे, यानी पांचवा पद कितना होगा शून्य होगा, पूछा है ना कि इनका कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो बिना देर की हम लोग दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दस नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको उटपटांग सा लग रहा होगा कि ये क्या बला है, लेकिन बला वाला कुछ नहीं, ये सवाल है। देखिए सवाल एक छोटा सा है, कैसा छोटा सा है, तो एपी का सत्रहवां पद, माने एपी जो भी दिया है तो सत्रह नंबर पे जो है देखो कौन सा नंबर लिखा है, मतलब कि कुछ भी लिखिएगा तो कौनो ना कौनो सत्रह नंबर पे पद आएगा। ए सत्रह पता है यहाँ, ए सत्रह क्या कौन सा नंबर है, अगर ए दस में, ए दस में अगर सात को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, सत्रहवां पद मिल जाएगा, समझिएगा ध्यान से। अगर ए दस में एकदम आसान, ये तो ऐसे ही मुंह से ही आंसर समझ में आ गया, ठीक है, कि दस गो में अगर सात को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे दस गो में सात गो को जोड़ देंगे, सत्रहवां पद निकल जाएगा। इसका मतलब ए सत्रह दे दिया है, सत्रहवां पद क्या है, दसवें पद में कितना जोड़ दें सात जोड़ दें, अगर ए दस में सिर्फ सात जोड़ दें तो कौन सा पद मिल जाएगा, सत्रहवां पद मिल जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो ए सत्रह होता है कितना, ए प्लस सत्रह है तो सोलह गो डी लिखिएगा, यही लिखिएगा ना, और यहाँ पे ए दस है तो ए में कौ गो जोड़िएगा, नौ गो डी कीजिएगा, प्लस में सात, इसको इधर लाइए तो ये दोनों प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर जो है वो उतार दीजिए माइनस ए, अब माइनस में नौ डी बराबर में सात। हम क्या किए, ए सत्रह कैसे आएगा, बोला कि सत्रहवां पद अगर निकालना है ना सत्रह नंबर पे, तो दसवें पद में सात जोड़िए, तो सत्रहवां निकालना हो तो दस में हमने सात जोड़ दिया, इसका वैल्यू हम जो होता है फॉर्मूला भर दिए, यहाँ ए से ए खत्म हो गया है, प्लस माइनस है तो, और सोलह डी में से नौ डी जाएगा तो सात गो डी बचेगा बराबर में सेवन, डी बराबर सात एकम सात वन हो जाएगा, डी बराबर वन। इसका पूछा है सार्व अंतर कितना होगा, तो सार्व अंतर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अंतर बराबर कितना वन, बीच का अंतर डी बोलते हैं इसको, वन होगा। आ नहीं तो एक और उपाय है, आप खुद सोच के देखिए कि पूछा है सत्रहवां पद, आइवा दिया है दसवां पद में सात गो जोड़िएगा, तो एक मतलब यहाँ एक नंबर दो नंबर जब सात गो जोड़ेंगे तो एक कहने को ना जोड़ रहे हैं तो सब में हो रहा है सत्रह, ठीक है। तो एक कहने को जब जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, दस के बाद सात गो जोड़ेंगे तब ना सत्रह हो जाएगा, तो एक एक जोड़ रहे हैं और बार बार जो नंबर बढ़ता है उसी को तो डी कहते हैं, ठीक है, तो वैसे भी एक हो जाएगा। तो इसी हिसाब से दोनों ये सही है, तो ये भी समझ में आया होगा। तो जबरदस्त तरीका से अगर आपको समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इस लेसन को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे बहुत ही मजे के साथ, तो इसे ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।